हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से ओसाकी अपना मैच जीत जाता है। इस सब के बाद अब होने को जा रहा है शोहिनामारु वर्सेस साडा, द नेशनल ट्रेजर वर्सेस नेशनल ट्रेजर। खैर यार, हमें दिखाया जाता है साकी और उसके साथ ही साथ दो अनजान शख्स भी आए होते हैं। कि साकी स्पेशली इस स्पॉट के लिए अपना कैमरा सेट करती है, पर ये कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, यह सबसे ज्यादा एंटीसिपेटिंग मैच होने को जा रहा है। इस वजह से अब हमारी नजर सोस्के के भाई शुन पे भी पड़ती है, कि उससे भी नाराजार होता और उसकी टांगे सीधा उससे चलते चलते यहाँ पे ले आई। तो यार साडा अपने कैप्टन कमावारी से कहने लगता है, फिकर मत करो, तुम्हें अपने और अपनी टीम को नेशनल तक लेके ही जाऊंगा। ये जैसे जैसे कह रहा होता है, उसे एक अपना छोटा सा पास्ट याद आता है। जहाँ पे भी बात स्पोर्ट्स की आती थी तो वहाँ पे साडा हमेशा से टॉप पे होता था। स्पोर्ट्स को दिमाग में रखते हुए उसे इस बात का अंदाजा होता है कि स्पोर्ट्स के नाते तो उसने कभी सुमो को ट्राई किया ही नहीं। यहाँ पे वो सुमो में सबसे पहली फाइट शोहिनामारु की देखता और देखते सारी वो शोहिनामारु से काफी ज्यादा इंस्पायर होता, वो उससे काफी ज्यादा कूल पाता। देख के वो कहने लगता है, अगर कोई शख्स होगा भी जो मवाशी बेल्ट में छा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यही एक वाहिद शख्स होगा। यूं ही देखते ही देखते साडा सुमो में इतना घुस गया जहां तक उसने खुद भी नहीं सोचा था कि हाँ यार, वो भी अपने दिली दिल में ख्वाहिश रखता था कि काश यार वो भी अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगा के अपनी पूरी हिम्मत से अपने सामने वाले को झंझोड़ के जमीन में पटक डाले। तो यार जैसे जैसे मैं सुमो लड़ता चला गया, मैं मिडल स्कूल तक पहुंच गया, मैं मिडल स्कूल तक का योकोजुना भी बन गया, पर मुझे जिस शख्स का इंतजार था वो उस रिंग में था ही नहीं। कि आज किस्मत साडा को शोहिनामारु के सामने ले ही आई। दोनों एक दूसरे पे टूटने के लिए अपना स्टैंस इख्तियार कर लेते हैं। रेफरी के स्पिरिट चलाते ही दोनों के दोनों एक दूसरे से अपना सर जगड़ते और दोनों इक्वल होते, जिसके तुरंत बाद ही शोहिनामारु फौरन से थर्स्ट चार्ज उसकी गर्दन पे मारता। ये देख के शिबाकियामा कहने लगता है, उसने इतनी करीबी से वार किया जानते हुए भी कि करीब से साडा मॉन्स्टर है। एक बार फिर से शोहिनामारु पे जाती है। जब शोहिनामारु उस पे अब अपना अगला वार करता है, इसी लम्हे में साडा बिल्कुल एक बीस की तरह उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैसे शोहिनामारु उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, ताकि साडा को भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता। शोहिनामारु उससे यूं अपने हाथों को बार बार पकड़ता देख के शोहिनामारु उस पे काफी तेजी से काफी ज्यादा लगातार वार शुरू कर डालता। शोहिनामारु के एक एक भारी वार की वजह से साडा को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती। तभी मौका पाता ही साडा उसके वार को डिफ्लेक्ट करता। इसके कारण शोहिनामारु पहले से भी अब काफी ज्यादा तेजी से वार करना शुरू कर डालता। तरफ तो शोहिनामारु इतने गंदे वार कर रहा था, उधर ही सेनेडा काफी हैरानगी से कहने लगता है, ओए जरा साडा के चेहरे को तो देखो। से हमें साडा की तरफ दिखाया जाता है। साडा वहां पे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, अपने दिल ही दिल में कह रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जहां तक तुम्हारी बात है शोहिनामारु को ने सुना, तुम भी यही चाहते थे है ना। ये सब कुछ तो एक तरफ अपने दिल ही दिल में कह रहा होता है, कि उधर ही दोस्ती और शोहिनामारु की तरफ काफी ज्यादा संजीदगी, काफी ज्यादा सीरियसनेस और गुस्से से कुर्ते में कहने लगता है, तुम क्या वहाँ पे खड़े अपने दांत निकाले हो। हाँ मैं मुस्कुराऊंगा भी तो बस सिर्फ एक ही बार, जब तुम्हें जमीन के बल पटक डालूंगा। शोहिनामारु का ये रवैया उससे पूरे तरीके से हिला के रख डालता। जब शोहिनामारु इसी तरह गरजते हुए उसके हाथ को पकड़ के अपनी ग्रिप अप्लाई करने लगता है, इसी बीच में अब साडा सुमो स्लैब्स पे शिफ्ट हो जाता है। उसके एक एक वार देख के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते। साडा का एक एक वार बिल्कुल परफेक्ट और पीछे धकेलने के काबिल होता। अपने दिल में काफी परेशानी से कह रहे होते हैं, युमा और बाकी सब ये स्पोर्ट में कदम रखे, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम उनकी वजह हो तो यहाँ पे जीतो भी। तब में साडा अपनी स्पेशल टेक्निक क्रेसेंट मूव का इस्तेमाल करने ही लगता है। शोहिनामारु उसे ये बात बता देता है, वो इस लम्हे इस वक्त इस समय इस टाइम का बेदर्दी से इंतजार कर रहा था, कब कहीं जाके तो मेरे खिलाफ ये मूव इस्तेमाल करो। हम देखते हैं शोहिनामारु उससे दूर होने के बजाय उसके वार में ही कदम रख के पैर से पैर मिला के उसकी ही मावाशी बेल्ट से उसको ही पटकने को जा रहा होता है। शोहिनामारु उसके खिलाफ डीमन व्हील का यूज करता, पर वो इससे कैसे न कैसे करके रोक लेता। दोनों में से कोई भी हार न मानता। अब एक बार फिर से दोनों दूसरे की मावाशी बेल्ट से पकड़ के बैठे होते हैं। दोनों की सांसें काफी ज्यादा फूल ली होती है। फिर शोहिनामारु एक बार फिर से सेकंड टेक्निक डीमन स्टॉर्म का यूज करता। साडा को कैसे न कैसे करके बस गिरते गिरते दोबारा से अपने कदमों पे जा खड़ा होता।
सबके बावजूद भी उषो इनामारो उसे जरा सा भी वक ना देता। लम्हे में उषो इनामारो अपनी तीसरी टेक्निक का यूज करता, 100 डीमन टेक डाउन। साढ़ा के मन में एक ही चीज बस चल रही होती है, जरा देखो तो सही ओनेमारो को ने सुना को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जरूर इसका कद छोटा है पर जरा देखो तो सही, आजियों साहब के सब लोगों से ज्यादा ऊंचा खड़ा है। जिस जिस से भी मैं लड़ चुका हूँ हमेशा से ऐसे ही अपोनेंट से लड़ना चाहता था। सब कुछ तो एक तरफ से अपने मन ही मन में कह रोता है कि उसी लम्हे में इसी वक्त उसे याद आता है कि क्या तुम सिर्फ ऐसे अपोनेंट से लड़ना ही चाहते थे। सोच के उसकी सारी की सारी सोच गुस्से में बदल जाती। सारे के सारे गुस्से से उषो इनामारो पे एक दमदार वार करता, ना कि सिर्फ उषो इनामारो से लड़ना चाहता होता बल्कि जीतना भी चाहता होता। वार के कारण उषो इनामारो और के पीछे जा रहा था। ये देख के उषो इनामारो अपने कदम जमाने की कोशिश करता और उसके साथ ही उस पे वार भी। साठा वक्त से उसके वार को टॉच करते हुए उसकी मावाशी बेल्ट से पकड़ के से पटकने को जा रहा होता है। उषो इनामारो अपने पैर के कारण अपना बैलेंस बरकरार रख पाता। इसी मौके से फायदा उठाते हुए साढ़ा इसी दौरान उषो इनामारो के गले से पकड़ के उसे रिंग के बाहर धकेलने लगता। मावाकी और सैनेडा भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते, कभी भी साढ़ा को इस तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा। उषो इनामारो अपने आप को पीछे गिरने से बचाने के लिए अपना सारा का सारा वजन आगे की तरफ पलट डालता। देख के साढ़ा उसे फौरन से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। खैर यार उषो इनामारो कैसे ना कैसे करके अपने पैरों पे ही खड़ा रहता और के साथ ही साथ ऑडियंस भी काफी ज्यादा इंटेंस हुई होती। वहीं पे साढ़ा उषो इनामारो के खिलाफ अपना पावर आर्म ग्रैप मूव का इस्तेमाल करने लगता। इसी लम्हे में पूरे तरीके से उषो इनामारो पे बारी पड़ चुका होता है कि पूरी ऑडियंस कभी अब मुंह खुला का खुला रह जाता कि इस लम्हे में उषो इनामारो कुछ नहीं कर सकता। त्याल को अचानक से यूं बिगड़ता देख के यूमो और मित्सुहाशी के हितों से उसकी न्यू टेक्निक के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पढ़कर ही तो इनकार करते हुए कहने लगता है कि नहीं उषो इनामारो को इतना वक्त ना मिल पाया, टूर्नामेंट से पहले पहले ही अपनी टेक्निक को परफेक्ट कर पाता। पर उषो इनामारो के सारे टीममेट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पे कोनेसाकी चिहिरो सबको दिलासा देते हुए कहने लगता है उषो इनामारो है वो, सूरत हाल में ही तो वो गरजता है। वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है उसी वक्त उषो इनामारो चिल्लाते हुए अपना हाथ उसके हाथ से अलहदा करता, दोबारा से उससे सीधा जा पकड़ता। तो एक बार फिर से उषो इनामारो से उम्मीदें लगा बैठता। वो कह रहा होता पागलों की तरह ट्रेनिंग की, तुम पागलों की तरह अपने ड्रीम के पीछे भागते चले गए, हमारी बॉडी ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और उम्मीद करता हूँ कि अभी भी नहीं देगी। उषो इनामारो भी अपने दिली दिल में कह रहा होता अगर मैं इस बंदे को नहीं हरा सकता फिर तो मैं योकोजुना बनने के भी काबिल नहीं हूँ। उषो इनामारो एक बार फिर से उससे पटकने को जा रहा होता है। साढ़ा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। इनामारो की टेक्निक अप्लाई करने से पहले ही वो उसे वहीं पे नाकाम कर डालता। इनामारो ने उसके खिलाफ अपने सारे की सारी तरह तरह की टेक्निक यूज की। साढ़ा उषो इनामारो की एक एक टेक्निक पे बारी पड़ता चला गया। देखते देखते अब उषो इनामारो के पास और कोई टेक्निक भी नहीं बची के साढ़ा के पास अभी भी एक टेक्निक बाकी है कि शौक से उषो इनामारो एक लम्हे के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता। इसी लम्हे से उसी वक्त से फायदा उठाते हुए अब उषो इनामारो को पटकने को जा रहा होता। सबके मुंह भी खुले के ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपको अपने ख्वाबों को यूं टूटता देख के उषो इनामारो को वो लम्हा याद आता, वो छोटा हुआ करता था। अपने मन ही मन में क्या रहता है, वो अजीब सा एहसास मेरे पैर के अलावा कोई और चीज जिस्म पे छू रही है और सारे लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं। मेरे पैर, मेरा शरीर काफी ज्यादा भारी है, जैसे कि मैं सिकनिंग स्लज में ही डूबता चला जा रहा हूँ। जो लोग मेरे मैच के दौरान हौसला अफजाई करने आते हैं उन्हें अपने आप को हारता हुआ नहीं दिखाना चाहता। मॉम, आखिर कैसे आपको मुझ पे फख्र है? क्या बस यही है मेरी हिम्मत? क्या बस मैं इतना ही काबिल हूँ? तो ये देख के कहता है कैसा चेहरा बनाया हुआ उषो इनामारो, क्या सोच रहे हो तुम? उषो इनामारो साढ़ा को से मुखातिब होके दिली दिल में कह रहा होता है मैं तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे टैलेंट की दाद देता हूँ, मुझे हराने के बाद जब तुम प्रो बनोगे जरूर तुम गजब किस्म के काम करोगे, तुम ही वो टैलेंट की मिसाल हो। योकोजुना बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना के। उषो इनामारो जैसे जैसे कह रहा होता है वो बस जमीन पे गिरने को जा रहा होता है। इसी में पता नहीं कहाँ से लेकिन उसमें एक नया जज्बा जागता, पहले से भी काफी ज्यादा दमदार तरीके से अपने आप को गिरने से बचा लेता।
क्यों देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। हमें दिखाई देता है सैडा उसे एक टाइट ग्रिप के कारण उसे जमीन में पटकने को जा रहा था। उशोनमारू अपने आप को गिनने से रोक लेता, पर ऐसा करते हुए उशोनमारू के हाथ से बहुत गंदे तरीके से बोन क्रैकिंग की आवाजें आने लगती है। देखिए ओसकी करी तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। सबको तो पता होता कि उशोनमारू का हाथ इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में पड़ गया है, फिर इससे भी कई गुना ज्यादा बदतर कि उशोनमारू को इन सब चीजों की जरा भी परवाह न होती। पर दोबारा से सोच रहा होता है, टैलेंट, किस्मत, ये सब चीजें शोर व गुल के अलावा कुछ नहीं है। मेरे अलावा किसी को भी यह हक नहीं है कि कौन मेरे लिए चुनेगा कि मुझे आगे क्या करना है। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए उशोनमारू साडा पे एक दमदार वार करता। वार वो हमला इतना दमदार होता कि साडा एक ही झटके से पीछे जाता, जिसकी वजह से उशोनमारू का हाथ फ्री हो जाता। अपने टूटे हुए हाथ और झुकी हुई कमर की चीजों की परवाह किए बगैर उशोनमारू खुद से ही कहने लगता है, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उससे टैलेंट और इन चीजों में सुमो में हार भी जाऊं, अगर मुझे फर्क पड़ता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जीत से पड़ता है। देखते ही देखते फिर से दोनों एक दूसरे से अपने सर दे मारते हैं। इस बार जिस शोर व जोर से उशोनमारू ने उससे अपना सर मारा होता, साडा उस पावर को जरा भी बर्दाश्त न कर पाता। उसके बाद उशोनमारू गहराइयों से उसकी मावाशी बेल्ट पे हाथ डालता। फौरन से समझ जाता अब जो अगला वार होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होने को जाएगा। उसने अपने आप को अपने से दूर करने की कोशिश करता, वक्त पे उशोनमारू उसके हाथ से बच जाता। जो फॉर्म और जो पोजीशन उशोनमारू लेता सबके लिए काफी ज्यादा हैरानकुन होता। साडा अभी भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा था, करी तो ये देख के ही समझ जाता अब जो उशोनमारू इस्तेमाल करने को जा रहा है वो अपनी फाइनल टेक्निक, अपनी न्यू टेक्निक है। उशोनमारू अपने तीनों वार को एक ही वार में हरकत में लाता। दूसरी तरफ से उसने उसे पूरी तरीके से झंझोड़ के अब बस उशोनमारू उसे जमीन में पटक डालता। 100,000 डीमन ड्रॉप से फिर भी फौरन से एक वक्त गवाए बगैर सीधा से चिल्लाता, वेस्ट साइड जीत गई, ताची हाई स्कूल को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता। इसी में उशोनमारू की टीम में जान आती, ओसकी के आंखों में आंसू भराते, क्राउड में भी एक तरह से खुशी की लहर दौड़ पड़ती। इसका मतलब अब ये जा रहे हैं नेशनल्स में। ओसकी को वो लम्हा याद आ रहा था जिस वक्त उशोनमारू ने उसे कहा था, फिक्र मत करो, हम इस बाउट को तुम्हारी आखिरी बाउट नहीं बनने देंगे। वहीं पे कुनिसा की चिहिरो भी उशोनमारू के लास्ट मूव के बारे में सोच रहा होता है। उशोनमारू को ये बात मालूम थी कि उसका हाथ अब साडाकों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यार यही वजह के कारण उस मूव को हरकत लाने के लिए उशोनमारू ने अपने पूरे जिस्म को एक ट्रक की तरह इस्तेमाल किया। उसने फौरन से अपने पूरे जिस्म का जोर का यूज किया। ये उसी लम्हे में उसी मौके पे नहीं सोच सकता, ये जरूर उसकी इंस्टेंट थी। सोचते हुए कुनिसा की चेहरा काफी हैरानी से कहने लगता, आखिर तुम और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो वहाँ पे मौजूद मिसू हाशिकी के और योमा को थोड़ा सा अफसोस होता अपनी परफॉर्मेंस पे, और योमा कहता है हम उन्हें जरूर दिखाएंगे नेशनल्स में। कोई यूं खुश होता देख के शिबाकियामा कहने लगता है, जरूर अगर उनमें से कोई हार भी जाता तो यार उस हारे वाले शख्स के जज्बात अपने लड़ने वाले साथी के दिल में बस जाते, कि वही उसका साथी इन जज्बात को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता। तुम हारने वाली टीम को भी ये नहीं कह सकते कि उनके कोई जज्बात नहीं थे, उन्होंने भी उतने ही बात से लड़ा। यार दूसरे सी में हमें सबके स्टेइंग टेंट्स में दिखाया जाता है। वहीं पे उदाची हाई स्कूल अपने टेंट में भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पे आता है उशोनमारू पट्टियों से भरे हुए हाथ के साथ। सब पे अपनी नजरें ठहराने के बाद उसके साथी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उशोनमारू कहता है फिकर मत करो, ये बहुत मामूली जख्म है। यहाँ पे करी तभी उशोनमारू की हाँ में हाथ डाल के कहने लगता है कि हाँ डैमेज ज्यादा नहीं हुई, ये इतना सीरियस नहीं है। उधर कहानी इशियामा के टेंट के अंदर जाती है। हमें दिखाया जाता है साडा कभी हाथ टूट चुका होता है। साडा सबसे माफी मांगते हुए कहने लगता है ये मेरी गलती है कि तुम सारे के सारे लोग हार गए, हम लोगों ने मुझसे कितनी ज्यादा उम्मीदें लगा बैठी थी। इसकी माफी के लिए मैंने सोच लिया है कि मैं सुमो छोड़ रहा हूँ, इससे पहले वो इस जुमले को कंप्लीट भी कर पाता। कमावारी फौरन से उसके मुंह पे हाथ रखते हुए उसका मुंह बंद कर डालता, जिस सबके बाद कमावारी उससे कहने लगता है मैं तुमसे एक सेल्फिश सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने 2 साल इशिहाई सुमो क्लब में ही गुजारो।
पर मामिया भी उसकी बात से 100% एग्री करता। तो अब ना कि वो दोनों बल्कि वहाँ पे मौजूद सार्क सारे टेंट में उसकी बात से एग्री करते हैं। सनेडा सार्डक को बताता है कि तुम्हारी सुमो जर्नी तो अब सिर्फ और सिर्फ शुरू हुई है। इसी बीच में अराकी भी अपना ड्रामा पार्टिसिपेट करने लगता है। वहाँ पे इशिया में मौजूद सारे लोग उसे ज्यादा सीरियस ना लेते हैं। इन्हीं सब में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में साकी ने शोनमारो की सारी बॉट्स रिकॉर्ड कर ली होती। यहाँ पे वो उन्हीं दो अनजान शख्स से कहती है कि तुम ये जाके तेनोजी को दे देना। दूसरी ओर शुंग के सामने वाला शख्स कहने लगता है शोनमारो उस वक्त से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है जब उसने सोसे से लड़ा था। हालांकि शुन मुस्कुराते हुए कहने लगता है यह मत समझो कि सब शोनमारो है जो कि पावरफुल होता चला जा रहा है, बल्कि सोसके भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एक बार फिर से गुनिसा की चीरों की तरफ जाती है। यहाँ पे वो अपने फुटवर्क पे प्रैक्टिस करते करते अपने दिल में कह रहा होता है काफी ज्यादा खुशी है, ये खुशी है कि मैंने सुमो क्लब को ज्वाइन किया। अगर मुझे किसी बात का अफसोस भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, जिस शख्स से मैं बेदर्दी से लड़ना चाहता हूँ वो हमारी टीम में ही शामिल है। खैर यार, इस बीच में एक न्यूज फैलती है कि ये टूर्नामेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखते देखते इधर से ही शुरुआत होती है इंडिविजुअल कंपटीशन की। तब के अब सारे के सारे फाइटर्स एक दूसरे से लड़ेंगे, इसमें कोई टीम नहीं होगी। अपने साथी से भी लड़ सकते हो अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ। राखी काफी हैरानी से कहने लगती है ये तो काफी अजीब सी बात है, लोगों ने तो पिछली बाउट के कारण जरा भी रेस्ट नहीं किया, स्टार्ट हो रहा है इंडिविजुअल कंपटीशन। तो वहीं पे ओसकी कहने लगता है साडा के हाथ की डैमेज लेने की वजह से अब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इंडिविजुअल कंपटीशन का भी विनर सिर्फ और सिर्फ ओशो हिनमारु होगा। ओशो हिनमारु जैसे जैसे कह रहा होता है उसी बीच में कुनिसाकी चीरो भी टूटा पड़ता है। ओशो हिनमारु कहता है मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता कि सब मैं ही जीतूंगा। फिर वहीं पे हमें पता चलता है कुनिसाकी चीरो बेदर्दी से मरी जा रहा होता है ओशो हिनमारु से लड़ने के लिए। ओशो हिनमारु भी सबको बता देता कि मैं भी कोई आसान रास्ता नहीं चुनूंगा ऊपर जाने के लिए, इसका मतलब तुम सबको भी जीतना पड़ेगा जापान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाने के लिए। तो यार इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।